हेलो फ्रेंड्स, फर्श पर लगे पुराने जिद्दी जंग के दाग हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका बहुत ही आसान तरीका मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसका इस्तेमाल करके कितना भी पुराना जंग का दाग हो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, वो भी विदाउट यूजिंग एनी केमिकल। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे बेकिंग सोडा। फर्श पर जहाँ जंग के दाग लगे हैं वहाँ पे हम बेकिंग सोडा स्प्रिंकल करेंगे। फिर हम लेंगे नींबू यानी कि लेमन। बेकिंग सोडा के बाद अब इस स्टेन के ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस और इसे ऐसे ही 10 मिनट के लिए हम रख देंगे। 10 मिनट के बाद इस स्टेन को अच्छे से क्लीन करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कोई भी मेटल का स्क्रबर, जिससे हम बहुत ही आसानी से इस स्टेन को घिस सकते हैं। बेकिंग सोडा और नींबू की जूस की वजह से इस स्टेन को निकलने में काफ़ी आसानी होगी और इससे आपके फर्श के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। एक बार फिर से हम ये प्रोसेस रिपीट करेंगे। इसी बचे हुए स्टेन पे हम फिर से डालेंगे बेकिंग सोडा और थोड़ा सा नींबू का जूस। और फिर से हम इसे अच्छे से रब करेंगे। ये जो जंग का स्टेन है वो 2 साल पुराना है, इसलिए मुझे थोड़ी देर लगी इसे क्लीन करने में, लेकिन आपका जंग का स्टेन अगर बहुत ही फ्रेश हो तो वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। आपको इसे काफ़ी देर तक रगड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टेन था वो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन हो गया है। अब मैं इसे थोड़ा ड्राई करके आपको दिखाती हूँ। तो आप भी इस मेथड का यूज़ करके आपके कितने भी पुराने जंग के स्टेन हो वो बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मेरा ये आज का वीडियो आपको यूज़फुल रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कुछ ऐसे ही यूज़फुल और इफ़ेक्टिव टिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और उसके आगे दिए गए बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा।